चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी, एचपीएससी को जल्दी मिलेगा एक नया सदस्य। सोमवार को नए सदस्य का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा। शपथ ग्रहण समारोह ममता यादव का नाम हुआ था। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, एचपीएससी को जल्दी मिलेगा एक नया सदस्य। सोमवार को नए सदस्य का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा। शपथ ग्रहण समारोह ममता यादव का नाम तय हुआ है। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी अहम खबर, चंडीगढ़ से एचपीएससी को जल्दी मिलेगा एक नया सदस्य। सोमवार को नए सदस्य का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा। शपथ ग्रहण समारोह, इस वक्त की बड़ी जानकारी अहम खबर, ममता यादव का नाम तय हुआ है और एचपीएससी को जल्दी अपना नया सदस्य मिल जाएगा। सोमवार को नए सदस्य का शपथ ग्रहण समारोह होगा, राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह, ममता यादव का नाम तय हुआ है। ग्रेटर फरीदाबाद स्थित अमृता हॉस्पिटल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने G20 के ऑफिशियल इंगेजमेंट ग्रुप C20 यानी सिविल 20 का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने अमृता हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला सहित सभी विधायक भी मौजूद रहे। दो दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में लगभग 700 चिकित्सा विशेषज्ञ, शिक्षक व सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकार अलग अलग सेशन में लगे भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान कोविड के फैलते संक्रमण, हेल्थ के मामले में सामने आई चुनौतियां और भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नीतियां तय की जाएंगी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 के दूसरे प्रारूप C20 के तहत स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर सेमिनार का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सिर्फ एक देश का विशेष नहीं बल्कि पूरी दुनिया का विषय है जिस पर यहां चिंतन होगा। उन्होंने कहा कि आज यहां अमृता हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया गया। सेमिनार G20 का ही पार्ट C20 इस नाते से, और G20 के कई ग्रुप्स बनाए गए हैं, कुछ विषयों को लेकर के जगह जगह देशभर में सेमिनार कर रहे हैं। तो C20 का सेमिनार यहां पर मां अमृतामयी हॉस्पिटल के परिसर में ये किया गया है, 2 दिन का सेमिनार। और इसमें मन, तन और मन और उसका स्वास्थ्य और साथ में पर्यावरण, तो इन सब चीजों को जोड़ करके एक चिंतन सब लोग करेंगे। क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से न केवल ये किसी एक स्पेसिफिक देश का विषय है, दुनिया का विषय है कि लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे और किस प्रकार से स्वास्थ्य को ठीक किया जा सके, उसके ऊपर चिंतन किया है। बहुत लोग अलग आए हैं। मेडिकल कॉलेज का आज यहां उद्घाटन हुआ है। जैसे हम अपनी हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाने के लिए मेडिकल के जो परिसर है वो बढ़ रहे हैं, हर कॉलेज में हमारा मेडिकल कॉलेज खोलने का जो विषय था वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। बल्कि फरीदाबाद के लोगों को तो मैं बधाई दूंगा इस बात की कि यहां 3 मेडिकल कॉलेज हो गए। एक ESI का मेडिकल कॉलेज, वो भी एक साल पहले ही खुला है। एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से छायसा में जो एक मेडिकल कॉलेज पहले चल रहा था, बाद में सरकार ने उसको टेकओवर किया है। और एक ये मेडिकल कॉलेज मां अमृतामयी हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज आज इसका उद्घाटन हुआ। ऐसे 3-3 मेडिकल कॉलेज एक ही जिले में खुले हैं, तो इस इलाके के लोगों में इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं इसकी शुभकामना देता हूं। कहीं खरीद में कोई समस्या नहीं है, लगातार सरसों की खरीद हो रही है, गेहूं की खरीद हो रही है, लेकिन पैरामीटर्स को ध्यान रखना पड़ता है। वर्षा आई थी, उस वर्षा के कारण से मॉइस्चर ज्यादा है, लेकिन मॉइस्चर वाला गेहूं या सरसों वो इसलिए नहीं खरीदी जाती कि बाद में स्टोरेज के बाद वो खराब होने के उसके भय बना रहता है। इसलिए उसके मॉइस्चर जैसे जैसे ठीक हो जाएगी वैसे, आज भी मंडियों में हमारे जो हैफेड है वो सरसों खरीद रहा है, लगभग 28,000 मीट्रिक टन ये सरसों हैफेड ने खरीदी है। और आज लगभग कोई पिछले कल तक शाम तक 3,000 मीट्रिक टन ही सरसों बाकी थी, जिसको छुपाने के बाद सबको खरीद लिया जाएगा। कोरोना का फेज जो था 2 साल तक हम लोगों ने लगातार झेला, हमने सब प्रिकॉशंस बरती और वैक्सीन के कारण से हमारे यहाँ उसका वैक्सीनेशन भी पूरे देश भर में सब आबादी का 2 बार हुआ है। और आगे भी क्योंकि दोबारा से कोरोना के केसेस आने लगे हैं, डिपार्टमेंट इसके लिए एकदम एक्टिव है, सारी सावधानी बरत रहे हैं, किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं आने देंगे। जो प्रिकॉशंस पहले हमने बरती थी, जिस प्रकार की हमने पहले से नोटिफिकेशन जारी किए थे, वैसे ही लगातार इस पर ध्यान रखे हुए हैं। अभी जितनी गैदरिंग हो रही है, हम सब लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि कम से कम मास्क जो है वो लगा करके रखें और इस प्रकार ये बीमारी को पहले रोक सकते हैं,
उस पर सारा ध्यान हमारा बना हुआ है, एडवाइजरी जारी कर रहा है। बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल की गिरदावरी के संबंध में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। सरकार क्षतिपूर्ति सहायक नियुक्ति करेगी और बारिश में खराब हुई फसल के 500 एकड़ को क्षतिपूर्ति ब्लॉक में बांटा गया। हर क्षतिपूर्ति ब्लॉक में नियुक्त किया जाएगा। किसान को जल्द और सही सहायता पहुंचाना योजना का लक्ष्य बनाया गया है। सभी जिला उपायुक्तों को क्षतिपूर्ति सहायक से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी कराने का फैसला लिया गया। वहीं मई महीने तक सरकार की तरफ से किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा देने के निर्देश दिए गए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने किसानों और अनाज मंडी पर बात करते हुए कहा कि प्रदेश में अब 1,65,000 गेहूं मंडियों में पहुंच चुकी है। वहीं 16.83 लाख एकड़ खराब फसलों की भी जानकारी मिली। साथ ही बताया गया कि सभी किसानों को खराब फसलों के लिए मुआवजा दिया जाएगा और अगर किसानों को मुआवजा मिलने में देरी हुई तो उसका भुगतान भी 9% ब्याज के साथ प्रदेश सरकार किसानों को देगी। संबंधित राशि सभी किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। वहीं पढ़े लिखे युवाओं को क्षतिपूर्ति सहायक के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। 500 एकड़ पर एक क्षतिपूर्ति में सहायक की नियुक्ति होगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने किसानों और अनाज मंडी पर बात करते हुए कहा प्रदेश में अब तक 1,65,000 गेहूं मंडियों में पहुंच चुका है। वहीं 16.83 लाख एकड़ खराब फसलों की भी जानकारी मिली। साथ ही बताया कि कभी किसानों को खराब फसलों के लिए मुआवजा दिया जाएगा और अगर किसानों को मुआवजा मिलने में देरी हुई तो उसका भुगतान 9% ब्याज के साथ प्रदेश सरकार किसानों को देगी। गुरुग्राम में सीएम प्लान की टीम ने बिजली चोरी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। बिजली चोरी करके क्रशर प्लांट चलाया जा रहा था जिस पर बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। साथ ही टीम ने क्रशर प्लांट संचालक पर 3,13,65,000 का जुर्माना भी लगाया है। गुरुग्राम में सीएम प्लान टीम की बड़ी कार्रवाई। बिजली चोरी करके क्रशर प्लांट चलाया जा रहा था। बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। करीब 3,13,65,000 का जुर्माना लगाया गया। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी। 13 साल के बच्चों की हत्या की गई है। आगरा कनाल के पुल के नीचे शव फेंका गया। बड़ी जानकारी। बोरे में बंद कर मासूम का शव फेंका गया। 2 दिन पहले तिकाव से गायब हुआ था बच्चा। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी जहां पर एक 13 साल बच्चे की हत्या कर दी गई है। आगरा कनाल के पुल के नीचे बच्चे का शव फेंका गया। बोर में बंद फेंका गया मासूम का शव। 2 दिन पहले तिगांव से गायब हुआ था बच्चा। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बड़ी जानकारी आपको बताते इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी। तो 13 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है। आगरा कनाल के पुल के नीचे बच्चे का शव फेंका गया। बोरे में बंद कर मासूम का शव फेंका गया। 2 दिन पहले तिगांव से बच्चा गायब हुआ था। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
तो 13 साल के बच्चों की हत्या की गई है और बच्चे का शव वह पुल के नीचे फेंका गया था और 2 दिन से बच्चा लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो उसमें ये मिली है वहाँ नहर पर इकट्ठी हो रही है पब्लिक, हमें पता लगे लग रहा है नो वहाँ ये बालक की डेड बॉडी मिली, हम जब भागे हम तो देवता हमारा परसों से ही दिन है, हाँ तीसरा दिन आज 12-13 साल का नहीं कुछ नहीं ना, ये तो हम कट्टा में देखिए हमने अभी हमें पूरी पता ना जी, हाँ जी सूचना पाकर इमीडिएटली हम यहाँ मौके पे पहुंचे और मौके पे आकर के बॉडी को आइडेंटिफाई कराने के एफर्ट किए। उसमें जो रास्ते से निकलने वाले लोग थे उन्होंने बॉडी को आइडेंटिफाई किया और बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, उसके फैमिली मेंबर्स आ चुके हैं, बॉडी को इमीडिएटली पोस्टमार्टम के लिए डी के हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। सर आइडिया नियर अबाउट 13 ईयर्स ओल्ड, ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तेगांव से अभी पता चला है, वहां के रहने वाले हैं। ऐसे तेगांव भी मौके पर आ चुके हैं, क्राइम टीम भी मौके पर आ चुकी है, तफ्तीश जारी। बहादुरगढ़ से सटे दिल्ली के टिकरी की पीवीसी मार्केट में भीषण आग लगने से इलाकों का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि आग की चपेट में आने से कोई जनहानि नहीं हुई। आग की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की 35 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। बता दें कि प्लास्टिक कबाड़ से रह रहकर धुआं और आग की लपटें उठ रही है। बहादुरगढ़ दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर बसी पीवीसी मार्केट प्लास्टिक कबाड़ की बड़ी मार्केट है, जहां प्लास्टिक कूड़े की छटनी होती है और वहां से प्लास्टिक रिसाइकल के लिए फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। विधानसभा के नरियाला गांव में गरीब स्थान के 1 एकड़ गेहूं की फसल में आग लग गई थी। बेमौसम बारिश की मार के बाद आग लग जाने से किसान पर दोहरी मार पड़ी। मामले पर किसान ने बताया कि उसका लगभग 60,000 से 70,000 का नुकसान हुआ है। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच ने किसान की मदद से 11,000 की राशि दी, जिससे कि इस गरीब किसान को कुछ मदद हो सके। वहीं पिथला विधानसभा के विधायक नयनपाल रावत से अपील की गई है कि इस गरीब किसान की मदद के लिए आगे आए। कितना नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है? नुकसान हो चुका है, बच्चे की तरह फसल को सींचा है। क्या सरकार और प्रशासन से आपकी मांगे? मदद की गुहार आप लगाते हैं? देखिए आग लगने के कारणों का तो पता नहीं लग पाया है, किन कारणों से आग लगी। बाकी पंचायत 11,000 रुपए की आर्थिक राशि उनको देगी और हम अपने माननीय श्री नयनपाल रावत जी, लोकप्रिय विधायक जी से भी अपील करेंगे तो वो भी इनकी मदद करें। और वो इस तरह की मदद करते हैं हमारे विधायक जी, गरीब आदमियों के लिए वो मसिया का काम कर रहे हैं और उनसे अपील करेंगे कि वो भी इनकी मदद करें। सीमा सुरक्षा बल में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात बहादुरगढ़ के राकेश राठी की हार्ट अटैक से आकस्मिक मौत हो गई थी। राकेश राठी का आज 48वां जन्मदिन था। 2 दिन पहले ही राकेश छुट्टी पर आए थे, ऋषिकेश में पड़ रही बेटी से मिलने गए थे और वहीं पर हार्ट अटैक आ गया। राकेश की मौत की सूचना मिलते ही बहादुरगढ़ में उनके परिवार और गांव के साथ उनके बटालियन में भी शोक की लहर दौड़ गई। राकेश की अंतिम यात्रा में 25 बटालियन के जवान और असिस्टेंट कमांडर प्रकाश सिंह ने अपने जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राकेश के परिवार को देश के आन बान शान तिरंगा भेंट किया गया। भारत माता के नारों के साथ गमगीन माहौल में बीएसएफ के इंस्पेक्टर राकेश राठी को अंतिम विदाई दी। राकेश राठी 20 जनवरी 1994 को सीमा सुरक्षा बल में ईएसआई मिनिस्टर के पद पर भर्ती हुए थे और फिलहाल इंस्पेक्टर मिनिस्टर के पद पर सीमानगर बंगाल में तैनात हैं। इंस्पेक्टर राकेश के आकस्मिक मौत से उसके साथी भी बेहद गमगीन हैं। बहुत ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, हमारे साथी इंस्पेक्टर मिनिस्टर
राकेश राठी हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल में को 20 जनवरी 1994 में एज ए एएसआई मिनिस्टर ज्वाइन किया था और उसके बाद वो 2017 में एसआई मिनिस्टर बने और 2023 में इंस्पेक्टर मिनिस्टर बने। वो बहुत ही हसमुख किस्म के और बहुत फिजिकली फिट इंसान थे। अपने ट्रुप्स के लिए हर वक्त अच्छे से अच्छा बेहतरीन वर्क करते थे। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज अम्बाला में निराले अंदाज में दिखाई दिए। अनिल विज ने 1955 की श्री 420 का रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया मैंने दिल तुझको दिया गीत इस कदर गाया कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। गृहमंत्री अनिल विज ने सुबह अम्बाला कैंट के सुभाष पार्क में बैठकर गीत गाकर समा बांध दिया। गीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा में तीसरी डोज लगवाने के बाद आपको बता दें कि अनिल विज सक्रिय हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है निर्देश और कई निर्देशों पर काम करने की बात कही है। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां तीसरी डोज लगवाने वालों को फ्री हेल्थ सप्लीमेंट्री मिलेगी। विज ने इसके लिए सभी स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित किया है। इसी दौरान विज ने तमिलनाडु के कांग्रेस के जिला प्रमुख को अड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कांग्रेस का काम प्रजातंत्र को बदनाम करने का है और कांग्रेस न तो संविधान को मानती है और न ही कानून को। कोरोना की तीसरी डोज लेने में लोगों की रुचि पैदा करने के लिए हमने ये स्कीम लॉन्च की है। जो प्रिकॉशनरी डोज लगवाएगा तीसरी डोज लगवाएगा उसको हम हेल्थ सप्लीमेंट देंगे। पहली डोज हम 100% लगा चुके हैं, दूसरी डोज हम 86% लगा चुके हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दी है। वहीं भिवानी जिले से राहत भरी खबर है, जिला में अभी तक एक भी मरीज कोरोना संक्रमित नहीं मिला। इसके साथ स्वास्थ्य विभाग कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर फांडलिया का कहना है कि चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिला में अभी तक कोई भी एक्टिव केस नहीं, 250 से 300 तक टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा है कि खांसी जुकाम के मरीजों के साथ टेस्टिंग को बढ़ाया दिया जाएगा। कौन सा स्ट्रेन है इसका पता लगाने के लिए जीनोमिक सीक्वेंस किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में वेंटिलेटर वैक्सीनेशन की सुविधा के साथ साथ कोरोना काल में कार्य कर चुके ट्रेंड डॉक्टर्स भी हैं।
कोई भी एक्टिव केस नहीं है। हम दिल्ली के 250 से लेकर के 300 तक हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ये टेस्टिंग की कैपेसिटी भी हम बढ़ा रहे हैं। तो जितने भी पेशेंट हैं जिसको खांसी जुकाम है वो सभी अपने आप को टेस्ट करवाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, अपने आप को अलग रखें, क्योंकि ज्यादा घूमेंगे और ओपन में छींकेंगे खांसेंगे तो एनवायरमेंट में वो वायरस आ जाएगा, एक दूसरे को लगने की संभावना ज्यादा है। प्रदेश में भारी बारिश के कारण लाखों एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान बेहद परेशान है। कुदरती मार और सरकार व्यवस्था के मार से परेशान बादली के किसान विनोद गुलिया ने अपनी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। उनका कहना है कि भारी बारिश के कारण फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ऊपर से ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा, जो मजबूरी में सरकारी व्यवस्था से परेशान होकर फसल पर ट्रैक्टर चलाना पड़ा। उन्होंने कहा सरकार के मंत्री और नेता खेतों में जाते हैं और हाथों में बर्बाद फसल लेकर फोटो खिंचवाते हैं, जो किसान का मजाक है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि बिना ई पोर्टल के फॉर्मेलिटी की गिरदावरी करवा कर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। कपिल भाई, सरकार की जो नीति है ई पोर्टल की हिसाब से, अपने ई पोर्टल का वो खुल तो नहीं रहा, तो उसके कारण फिर क्यों इंतजार करना है? सरकार का जो आज ये दुर्व्यवहार अपने जिस जिले में हो रहा है, अपने बादली गांव का खासकर, जो बादली तहसील में कोई पोर्टल नहीं खुल रहा है, तो सरकार का उनका इंतजार करे। इंतजार के बाद अब फसल खड़ी थी, फिर ये इसमें भारी नुकसान हो गया था ओलावृष्टि और बारिश के कारण, फिर इतना इसमें हो लगता। तो सरकार की उस द्वेष भावना के कारण खुद मैंने निर्णय लिया, अब भाई क्यों नहीं सरकार को भी सबक सिखाया जाए और आने वाले टाइम में जो आज ये खेतों में जाते हैं जो पदाधिकारी है बीजेपी के। जुलाना में जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाए गए वाटर टैंक में एक 12 वर्षीय बच्चे का डूबने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर जुलाना थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और अपने दलबल के साथ वाटर टैंक में रेस्क्यू चलाया। इसके बाद बच्चे को निकालकर जुलाना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर बच्चे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक सूचना मिली थी कि एक छोटा बच्चा यहाँ जलकर में डूबने वाले, हमारे को सूचना मिली थी, जिस पर मौके पे तुरंत पहुंचे और वहां पे लोकल जो व्यक्ति थे उनकी मदद लेके हमने भी साथ में उस बच्चे को निकाला और जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भेजा। और तो वहां पे डॉक्टर साहब ने चेक किया था, लेकिन टाइम ज्यादा होने के कारण मृत घोषित कर दिया।